भारत की नई शान, नया संसद भवन बनकर तैयार। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इसका विरोध होने लगा। नया संसद भवन देश की एक बड़ी उपलब्धि है, कहां तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन अनुराग यहां पर सियासत हो रही है। जाहिर सी बात है ज्योति, सियासत लगातार नजर आ रही है। सियासत ऐसी कि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल पीएम मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी टकरा। विपक्ष ने पीएम के हाथ उद्घाटन का किया बहिष्कार। महिला राष्ट्रपति को नजरअंदाज करने का लगाया। देश के जिस सर्वोच्च पंचायत भवन पर सियासी दलों को नाज होना चाहिए, उसके उद्घाटन का विरोध हो रहा है। विरोध सियासी है क्योंकि उद्घाटन पीएम मोदी जो करने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नहीं, राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। विपक्ष इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मान सम्मान से जोड़कर देख रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन समारोह में आने का अब तक नियंत्रण भी नहीं भेजा गया है। यही नहीं, जिस तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, उस 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। सियासत में विरोध विचारधारा का भी होता है, लिहाजा विपक्ष को इस पर भी घोर आपत्ति है। लेकिन उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं कराने पर विपक्ष काफी गुस्से में है। कांग्रेस समेत विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। टेलिंग एवरी टाइम टेलिंग वी आर प्राउड ऑफ ए वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट। द वे इन विच यू अंडरमाइन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेयर इज द जस्टिफिकेशन? यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। We are violating the protocols. You are violating the customs. That is why we, Congress party, discuss with all other like-minded political parties. I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with this sentiments, boycotting the inaugural function. राष्ट्रपति महिला हैं और दलित भी, ऐसे में देश की शान का प्रतीक बन चुके नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को दरकिनार कर किया जाना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं, उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। लेकिन देश के राष्ट्रपति, राष्ट्र के संविधान की प्रमुख, देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन, आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन कर, इसलिए देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे। नए संसद भवन का विरोध करने वाले यही लोग नहीं हैं, कांग्रेस समेत इसमें विपक्ष के 19 दल शामिल हैं। जब से नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख का ऐलान हुआ है, तभी से विपक्ष दल अलग अलग दलील देकर उद्घाटन समारोह का विरोध करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन क्यों करवाया जा रहा है। विपक्ष ये भी पूछने में लगा है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा। 28 मई को सावरकर की जयंती होती है, इसीलिए ये भी पूछा जाना इनके लिए वाजिब है कि सावरकर की जयंती पर उद्घाटन क्यों हो रहा है। मुझे जो पता चला कि डेरेक ओब्रायन हमारा जो राज्यसभा के नेता है, वो ट्वीट किया है कि हम लोग टीएमसी पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग का इनॉग्रेशन बॉयकॉट करेंगे। ये सिद्धांत अभी तक मुझे पता चला। कारण ये है कि हम समझते हैं कि ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश के प्रधान है और पार्लियामेंट का भी प्रधान है। नए पार्लियामेंट का आप उद्घाटन कर रहे हैं,
एक दलित समाज से आने वाली, एक आदिवासी समाज से आने वाली एक औरत, सम्मानजनक औरत, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाकर, उनको न्योता ना देकर आप कैसी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी के नाम पर विपक्ष के विरोध का बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया है कि 1975 में पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया था। बीजेपी ने यह भी कहा कि 1987 में पीएम रहते हुए राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध कर रहे विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कैसे पलटवार किया, जरा ये भी सुन लीजिए। ये होमवर्क करते नहीं अपना, अपने समय में जो देखिए हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते। उद्घाटन पर सियासत गरमा चुकी है, पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष को गलत ठहराने में लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही इसे लेकर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। 21 मई को अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, जब से नई संसद के उद्घाटन की तारीख का ऐलान हुआ है तभी से ही विपक्षी दल अलग अलग दलील देकर उद्घाटन के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, और किस तरीके की दलीलें विपक्ष की तरफ से दी जा रही हैं जिसको लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है, वो जरा दर्शकों को बता दें। देखिए, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के हाथों संसद की नई इमारत का आखिर उद्घाटन करवाया क्यों जा रहा है। विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा, क्योंकि जो संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और उसके साथ साथ तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति का। 28 मई को सावरकर की जयंती होती है, इसलिए विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि क्या सावरकर की जयंती पर ही उद्घाटन प्लान किया गया है। ये वो सवाल है जो विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन नई संसद के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जो तकरार शुरू हुई है उसमें संविधान की भी आड़ ली जा रही है। संविधान के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है वो जरा आपको बता दें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 60 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति ही संसद का प्रमुख है। बीजेपी कह रही है कि देखिए, अंतर समझिए हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नर में, हेड ऑफ गवर्नमेंट में। कांग्रेस की तरफ से संविधान के आर्टिकल 111 का भी हवाला दिया जा रहा है जिसमें कहा जाता है कि संसद में तो राष्ट्रपति मुखिया है, बिल पर भी राष्ट्रपति मोहर लगाता है तभी वो कानून बनता है। बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक बड़ा अंतर है जिसको बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 19 राजनीतिक दल अब तक खुद कोला कर चुके हैं संसद की नई इमारत के उद्घाटन से। लगातार विरोध कर रहे हैं और इस खबर से